खुशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी संकट देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये सियासत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अपनी सत्ता को गंवाने के बाद, लेकिन दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मिलने पहुँच गए, उनकी मुलाकात यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मनसे और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव में साथ में मैदान में उतर सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि या तो यहां पर शिंदे गुट और मनसे का गठबंधन हो सकता है, और वहीं यहां पर ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और मनसे का गठबंधन देखने को मिल सकता है। हाल ही में एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर पहुंचे, गणेश उत्सव के मौके पर भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए शिव तीर्थ पहुंचे। वहीं राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की एकनाथ शिंदे ने, लेकिन बाद में देखने को मिला कि राज ठाकरे भी अपने परिवार के साथ एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पहुंचे। लेकिन अटकलों का बाजार इस वक्त तेज है। क्या वाकई में मनसे और बीजेपी का गठबंधन होगा? क्या वाकई में शिंदे गुट और मनसे का गठबंधन देखने को मिलेगा? इस पर अब खुलकर बातचीत की है राज ठाकरे के बेटे महाराष्ट्र नव निर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे ने। अमित ठाकरे क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल आपको बता दें, आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में सियासत काफी ज्यादा तेज है, और इस सियासी माहौल के बीच देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं अब राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की जो मुलाकात है वह यहाँ पर सवाल ये खड़े कर रही है, क्या वाकई में यहाँ पर अब गठबंधन होने वाला है? बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की, और ऐसे में मनसे और शिंदे गुट के साथ यहां पर गठबंधन करेगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसी बीच अमित ठाकरे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मनसे और शिंदे गुट के बीच की नजदीकियां बढ़ी हैं। वह कहते हैं, आपला समुद्र किनारा आपदा उत्तरदायित्व अभियान में सक्रिय भाग लिया, और उन्होंने दादर समुद्र तट पर रेत और निर्मला से निहित गणेश प्रतिमाओं के अवशेषों को उठाकर तट की सफाई भी की। लेकिन उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि हम समुद्र तटों की सफाई के लिए एक स्थायी व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, और साथ ही साथ सत्ता में आने के बाद हम इस प्रणाली को स्थापित भी करेंगे। अमित ठाकरे ने यह भी कहा कि हम जल्दी ही सत्ता में आएंगे, और उनके इस बयान से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। क्या यहां पर उन्होंने जो जवाब दिया है, क्या वाकई में राज ठाकरे अब शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेंगे, ये सवाल इस वक्त लगातार खड़े होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ राज ठाकरे के साथ साथ मनसे के ऐसे कई नेता हैं जो एकनाथ शिंदे से मुलाकात किए हैं और उनके बीच लंबी चर्चा हुई है, लेकिन किस मुद्दे पर ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे किस तरीके से राज ठाकरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।